अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। यहाँ पर भी हमने इस इक्वेशन को हल करना है और यहाँ से अननोन वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। सो बड़ा सिंपल तरीका है, कुछ मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है। यहाँ पर देखिए तो डिनोमिनेटर में आप लोग के पास यहाँ 3 है, यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो ये बन जाएगा 3 2 6। इसका जो एलसीएम होगा हमारे पास वो 6 होगा। तो अब हमने हर टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करवा देना है। सो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 6, इधर भी हम 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस टर्म के साथ भी हम 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इधर भी हम 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हर टर्म को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, विच इज द एलसीएम, जो हमारे पास इसका एलसीएम था। ये बनेगा 3 1 3, 3 2 6, ये बनेगा 2 1 2, 2 3 6। अब ये 2 जो हमारे पास है ये x -3 से मल्टीप्लाई होगा और ये -3 हमारे पास x -2 से मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 1 से आ जाएगा हमारे पास 6। अब इसके बाद हमने इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर देना है, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स बनेगा 2x और ये बनेगा 2 3 -6। सिमिलरली हमने इस -3 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा -3x और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 2 से बन जाएगा हमारे पास 6। अब यहां पर आप लोग गौर से देखो तो ये 6 और ये 6 हो गया कैंसिल। अब यहां पर आप लोग ऑब्जर्व करो तो हमारे पास जो रह गया 2x रह गया और इधर रह गया हमारे पास -3x। जब हम 2x से इस 3x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x इज इक्वल टू 6। हमने तो x को फाइंड करना था, हमने तो x को आइसोलेट करना था, तो इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -6। लेकिन अगेन दोबारा मैं आप लोग को ये बात रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग अपने इस वैल्यू को वेरीफाई भी करें, इसको चेक भी करें। तो इस मकसद के लिए हमने इस x इक्वल टू -6 को पुट करना होगा ओरिजिनल इक्वेशन में। तो अब हम इसकी चेकिंग की तरफ आ जाते हैं और देखेंगे कि क्या वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो पुट x इक्वल टू -6 एन 1। उस क्वेश्चन में जहां जहां भी आप लोगों के पास एक्स होगा वहां पर आप लोग पुट करो -6, ये बन जाएगा हमारे पास -6 -3 डिवाइडेड बाई 3 और इधर भी पुट कर लेंगे -6 -2 एंड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये बन जाएगा हमारे पास -9 डिवाइडेड बाई 3 और ये बनेगा हमारे पास -8 डिवाइडेड बाई 2। सो 3 1 3 एंड 3 3 9 और ये बनेगा 2 1 2 एंड 2 4 8। ये हमारे पास आ गया -3, लेकिन जब यहाँ पर इस माइनस को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस और इधर आ जाएगा 4। सो 4 -3 से आ जाएगा 1, 1 इज इक्वल टू 1 विच इज ट्रू, जो हमारे पास ट्रू आ गया। इट मीन दैट जो एक्स की वैल्यू थी हमारे पास -6 वो आप लोगों के पास बन जाएगा इसका सोल्यूशन सेट। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -6। तो कुछ मुश्किल नहीं है सवाल, इंतहाई आसान है। जस्ट आप लोग थोड़ी सी हिम्मत करोगे, मेहनत करोगे और इसको बार बार हल करोगे, समझने की कोशिश करोगे तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए आसान होंगे, आप लोग इसको इजीली हल कर सकोगे। लेकिन कोशिश करें कि इन सवालों को बार बार हल करें, अगेन एंड अगेन इसकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी, इस पार्ट को भी समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने अगले पार्ट को हल करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।